माना जाता है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक ग्रह हुआ करता था जो सूरज का चक्र लगाता था, जिसका नाम 450 करोड़ साल बाद हम इंसान पृथ्वी रखने वाले थे। लेकिन आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब धरती नई नई बनी थी, तब एक वक्त ऐसा था कि उसका कोई चांद ही नहीं था। लेकिन माना जाता है कि अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में एक इत्तेफाक हुआ और मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह जो धरती से जा टकराया, और उस टकराव के कारण धरती के कुछ टुकड़े हो गए जो अंतरिक्ष में फैल गए। लेकिन धरती अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इन टुकड़ों को अपनी ओर खींचे रखा। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों साल की प्रक्रिया के बाद धरती के भाई यानी कि चंदा मामा का जन्म हुआ। इसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के पश्चात धरती पर जीवन संभव हुआ है। ये इसलिए जब पृथ्वी और चांद नए नए बने थे, तब चांद पृथ्वी से आज के मुकाबले आधी दूरी पर था, जिसके कारण चांद अपने गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर दाम सका, और इसके चलते उस समय तेजी से घूमती पृथ्वी कई हद तक स्थिर हो सकी और इसी तरह पहली बार जन्म ले पाए जिंदगी के मॉलिक्यूल्स RNA और DNA, जिस पर आज पूरी पृथ्वी का जीवन मंडल आधारित है। तो अगर वह इत्तेफाक नहीं हुआ होता तो आज पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते जीवन है, ये क्यों, मतलब कैसे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपको चांद का देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चांद के चलते जीवन है, इस चीज को समझने के लिए यह एक बार देखो कि चांद फट जाए तो क्या होगा, तब आप खुद समझ जाएंगे कि चांद क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रातें कितनी अंधेरी दिखेंगी। चांद के बाद रात को सबसे ज्यादा चमकीली चीज है वीनस, लेकिन वो हमारे चांद से करीब 2000 गुना कम चमकीला है। तो यह बात तो तय है कि यह ग्रह हमें उचित रोशनी देने के लिए काबिल नहीं है, पर क्या हमें इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, राइट। हमारे पास आज ऊर्जा से चलते शहर हैं और हम कुछ ही सालों में पृथ्वी को इसी तरह रोशन कर सकते हैं। बट चांद का महत्व यहाँ पर खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो मात्र शुरुआत है। धरती पर मौजूद सभी महासागर को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमता है और घूमते घूमते समुद्र को अपनी ओर टानता है, और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊपर तक उठता है, जिसे हम लहर कहते हैं। चांद की इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टाइड यानी कि लहरें उठती हैं। हम लोग बहुत बार किसी फिल्म में और समुद्र किनारे लहरों को उठता देख और यह सोच लेते हैं कि शायद ये हवा के चलते हो रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप गलत हैं, क्योंकि ये हवा के चलते नहीं बल्कि पृथ्वी से तकरीबन 384,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती पर मौजूद पानी को अपनी ओर खींचता है। दरअसल देखा जाए तो सूरज भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पानी को अपनी ओर खींचता है, मगर दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है, सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है, इसलिए ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर यह तो कुछ भी नहीं है इन घटनाओं के सामने। तो अगर सौरमंडल से चांद हट जाए, तब जो होगा उसे कयामत कहते हैं। अगर कयामत से भी कुछ भयानक शब्द है तो वही मान लीजिए। हम जानते हैं कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को इतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर यह बात तब तक सच था जब तक चांद था। पर अब चांद फट चुका है। चांद के नष्ट होते ही अचानक से धरती पर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। मात्र 5 मिनट में धरती पर जितने भी आइलैंड या समुद्र किनारे के शहरी इलाके हैं, सब पूरी तरह पानी से तहस नहस हो जाएंगे। लोग कयामत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। लेकिन एक घंटे के बाद यह सुनामी शांत पड़ने लगी। कई शहरों और करोड़ों लोगों को आगोश में ले लहरें शांत हो गई। सारा का सारा हाहाकार अब शांत हो गया है, मतलब पानी के लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार बस थोड़ी देर के लिए होगा, परंतु ये एक घंटे की घटना के बाद अब धरती पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। अगले 24 घंटे बाद अब आपको पता चल चुका होगा कि अब आसमान में चांद नहीं रहा। 24 घंटे के बाद और भयानक चीजें हुई। आप सबको पता ही होगा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से धरती 23.5 डिग्री एक्सिस पर घूमती है और चांद धरती को इस पोजीशन पर होल्ड करता है। पर अब जब चांद ही नहीं रहा, तब धरती अपना कंट्रोल खो चुकी है और बहुत ही भयंकर तरीके से धरती अपनी एक्सिस पर कंपन यानी शेक कर रही है, और इसी के चलते धरती पर एक घंटे में सीजन बदलने वाला है। पर लोग गर्मी के मारे जहां मर रहे थे, वहां पर बर्फ गिरने वाली है, और जहां बर्फ गिर रही थी वहां कपकपाती धूप निकल आई। अंटार्कटिका धरती का वो हिस्सा है जो हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन वहां पर अब कपकपाती धूप निकल आई है। कश्मीर में जहां ठंड थी, वहां गर्मी दिल्ली से ज्यादा होने लगी, और दिल्ली में जहां अचानक से बर्फ गिरने लगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपनी एक्सिस पर कंपन कर रही है। कंपन की वजह से जगह जगह न मापने योग्य भूकंप आ रहे हैं, और जहां जहां पर ज्वालामुखी हैं वो सभी सक्रिय हो चुके हैं। 12 घंटे बाद सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था, पर रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी सब बर्फ में बदल चुका है। न्यूज चैनल में खबर आ चुकी है कि 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ जो समुद्र के करीब वाले एरिया में रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। यह हमारे धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन चुकी है। 5वां दिन
अब जो बचे कुछ लोग हैं वो बिना चांद के इस अजीबोगरीब मौसम वाली दुनिया में बड़ी तकलीफ में जी रहे हैं। हर एक घंटे में बहुत गर्मी तो दूसरे घंटे में इतनी ठंड कि पानी बर्फ में बदल जाता है। इस बदलते मौसम के चलते पानी के अंदर के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसीलिए समुद्र की मछलियां और बाकी समुद्र जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि यह बदलता मौसम अनाज उगने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरी धरती पर सिर्फ 5 दिनों में अनाज की कमी होना शुरू हो गई। अब लोगों को पता चल गया कि ऐसी अवस्था में अनाज सिर्फ साइंस की लेबोरेटरी में उगाया जा सकता है, जहां साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ चुकी है। इससे बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। वो घटना 6वें दिन में हुई, 6 घंटे के बाद 6वां दिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 घंटे में 6वां दिन। क्योंकि अब चांद था तब वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरती की रोटेशन यानी कि घूमने की गति को कंट्रोल करता था, पर अब चांद ही नहीं रहा, तब धरती अपनी मूल गति में पहुंच चुकी है, जिसके चलते पूरा दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि मात्र 6 घंटे का हो चुका है। मतलब चांद के हटने के मात्र 5 दिन के बाद धरती पर दिन 3 घंटे का और रात भी 3 घंटे की हो चुकी है। आम इंसानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि असल में ये हो क्या रहा है। मतलब कि दिन में 4 बार सूरज निकलता है और डूबता है, ठीक है, सारी घड़ियों का अब कोई मतलब नहीं रहा। 1 महीने बाद ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं, 1 दिन यानी 24 घंटे इंटू 30 दिन मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं है, बल्कि 6 घंटे इंटू 30 दिन मतलब 180 घंटे वाला महीना है। यानी कि 1 महीना अब सिर्फ 7 दिनों में होता है। इससे हम इंसान खत्म तो नहीं हुए, बल्कि अब इंसान अपने आप को इस बदली हुई दुनिया में जीने के लिए बदल चुका है। अब ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अब पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब इंसानों के लिए मौसम और खूबसूरत दिन एक इतिहास बन चुका है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव के चलते ज्यादातर जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ वही जीव जीवित रह पाएंगे जो इतनी कठोर परिस्थिति में अपने आप को डाल पाएंगे। लेकिन शायद हम इंसान अपने आप को बचा पाएंगे क्योंकि इंसान आज काफी आधुनिक जो चुका है। साथ ही मैं एक फैक्ट की बात आपको बता दूं कि कई साइंटिस्ट यह मानते हैं जो आपने ऊपर वीडियो में देखा वो मंगल ग्रह का इतिहास रह चुका है। साइंटिस्ट की माने तो पहले मंगल ग्रह का भी बहुत बड़ा चांद हुआ करता था, लेकिन एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उसकी गामा किरणों ने मंगल के चांद को नष्ट कर दिया, जिसके चलते मंगल ग्रह अपनी एक्सिस पर सैक करने लगा, जिसके चलते कुछ सालों में वहां पर जीवन पूरी तरह खत्म हो गया। तो ये सब सुनने के बाद एक बार आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि कोई नियर बाय मरता तारा हमारे पास तो नहीं है ना जो हमारे चांद को हिट कर ले, क्योंकि यही एक ऐसी वजह है जिससे हमारा चांद फट सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितना एनालिसिस किया है उसके मुताबिक हमारे आसपास ऐसा कोई तारा नहीं है जो हमारे चांद को हिट कर पाए। हो सकता है मंगल ग्रह के केस में ऐसा कोई तारा हो, पर आज की तारीख में हमारे आसपास ऐसा कोई भी तारा नहीं है जिससे गामा रे किरण निकले और हमारे चांद को खत्म कर सके। क्योंकि सूरज के बाद धरती का सबसे नजदीकी तारा है अल्फा सेंटोरी, जो धरती से करीब 4.3 लाइट ईयर्स दूर है और वो एकदम स्वस्थ और जिंदा तारा है। तो इसलिए आप रिलैक्स कीजिए और इस वीडियो से आपको चांद का महत्व तो पता चल गया होगा। वेल, मुझे लगता है कि आज के बाद आप चांद को कुछ नए ही नजरिए से देखोगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी एंटरटेन भी हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।